अच्छा यार रोहित बता, तू होली के दिन फ्री है नहीं? हाँ फ्री हूँ, क्या हुआ? मेरे घर पे पार्टी सीन है। ओके। और हाँ अभिषेक को भी बोल दियो। ठीक है, तो फिर मैं स्मृति को भी बुला रहा हूँ। स्मृति? अरे यार वो क्यों आएगी यार? अरे तो क्या हुआ भाई, तेरे को पता है ना हमारी लड़ाई हो रखी है। आई हैवंट स्पोकन टू हर फॉर 3 वीक्स। अच्छा मैं शूट पे पहुंचने वाला हूँ, फिर आई विल स्पीक टू यू लेटर। चल फिर होली पे मिलते हैं। हाँ होली के दिन मिलते हैं। हाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरी होली की तैयारी आज से शुरू हो रही है। फ्रॉम हियर इन फासोस किचन। मैंने सुना है कि होली के लिए दे गॉट सम अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स, सो आई कांट वेट टू ट्राई देम। हेलो शेफ। हाय। सो दिस इज शेफ नीरज फ्रॉम फासोस। एंड शेफ यार मेरी एक होली पार्टी है जहाँ पे मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए। सो व्हाट आर यू मेकिंग राइट नाउ, बताओ पहले। हम लोग यहाँ पे ठंडाई बना रहे हैं। अरे वाह परफेक्ट एकदम। ये जो ठंडाई है ये होली में हम क्यों पीते हैं? ठंडाई देखिए ये एक फेस्टिव प्रोडक्ट है। हाँ जी। इसका मेन रीजन ये होता है कि ये बहुत ही रिच होती है और बहुत ही एनर्जी देने वाली होती है, क्योंकि होली में हम लोग खेल खेल के होली और भाग भाग के हम लोग थक जाते हैं। और भी कुछ डाल देते हैं एनर्जी और आ जाती भी है। हाँ तो तो वही सब एक वो यहाँ पे है क्या मतलब कुछ मतलब सॉरी वो यहाँ पे ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ मतलब। नहीं 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 मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो मैं मतलब आई लाइक फासोस दैट वे, मतलब रोल्स भी हैं, ठंडाई भी है, आई लाइक द डायरेक्शन दे आर टेकिंग इन लाइफ। इतनी सारी ठंडाई की बात से ना मुझे याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त था जिसने बहुत सारी ठंडाई पी ली थी। अच्छा। और अब ठंडाई में कुछ होगा पता नहीं हमारे को, तो हम तो ऐसे काम करते नहीं है। तो क्या हुआ कि वो बाथरूम में गया जी, 6 घंटे बाद बाहर वापस निकला वो। 6 घंटे हमारे को पता नहीं था वो कहाँ पे था। तो वो तो आया होगा तो होली खत्म होगी। होली क्या खत्म होगी, वो सब कुछ बना लिया था उसने बाथरूम में, मुझे लग रहा है। लेकिन हमने बातों में हमारा ठंडाई भी रेडी हो गया। अरे वाह, आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई है ठंडाई के साथ, कॉमेंट्स में बताना। इट्स रेडी नाउ। हाँ जी, तो अब ठंडाई तो हो चुकी है लेकिन अब बारी है गुजिया की। हमारा डो तैयार हो चुका है अभी। हाँ हम लोग स्टफिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो शेफ जब तक हम ये कर रहे हैं आप हमें बताइए कि फासोस स्टार्ट कैसे हुआ एंड हाउ डिड इट स्टार्ट एंड वेयर इज इट नाउ। फासोस सर, हम लोगों ने जो फासोस शुरू किया था उसमें हम लोग वी स्टार्टेड विद ओनली रैप्स एंड रोल्स। हाँ जी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हमारे पास सब तरह के स्नैक्स हैं। हाँ जी। सब तरह के राइस प्रिपरेशंस हैं, बिरयानी है हमारे पास, ब्रेकफास्ट हमारे पास है और हम लोग फुल मील भी कर रहे हैं जिसमें पूरा थाली रहेगा आपके पास। एंड जैसे आप होली के टाइम पे ये गुजिया और ठंडाई करते हैं, वैसे बाकी फेस्टिवल्स के टाइम भी कुछ करते हैं सर? हाँ लगभग ऑलमोस्ट जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया के अंदर। हाँ जी। हम लोग सब पे सारे फेस्टिवल्स पे कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि ईद पे हम लोग हलीम करते हैं और गणेश पूजा जो कि महाराष्ट्र का बड़ा फेमस फेस्टिवल है, हम लोग उस पे मोदक करते हैं, पूरन पोली करते हैं। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हम लोग नवरात्रा में नवरात्रि स्पेशल फूड करते हैं जो कि प्योरली सेंधा नमक से बना होता है, प्योरली नो अनियन नो गार्लिक, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग का खाना जो होता है पूरा व्रत का खाना रहेगा। दैट्स ग्रेट। तो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? हर फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो शेफ आपकी जो गुजिया है ये स्पेशल कैसे है? हम जो इसमें नट्स यूज करने वाले हैं ये हमने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लिया है जहाँ पे उसका कल्टीवेशन बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये सोर्सिंग आपकी मतलब सोर्सिंग जो है ऑथेंटिक है, बहुत प्रीमियम एंड ऑथेंटिक है। तो मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है। हाँ जी। अभी हम अपना जो नट्स है इसको रोस्ट करेंगे। स्टफिंग इज रेडी। हाँ जी। ओके आई जस्ट कीप इट असाइड। अभी हम अपने गुंजिया का प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं। हाँ जी। हम लोगों ने ये अपना डो ले लिया है। सो हम लोग धीरे से इसको स्लाइड करेंगे। जब ये गुंजिया बनता है तो ऐसे लगता है कि हम लोग त्योहार के मतलब आसपास आ गए। एग्जैक्टली। इवन जो बच्चे यहाँ पे सिंगल्स रह रहे हैं उनको उनका मम्मियाँ बना के भेजती हैं। हाँ, सिस्टर्स बना के भेजती हैं। तो शेफ थैंक यू फॉर दिस
ब्यूटीफुल गुजिया आपने हमारे लिए बनाई, अब मैं इसका ढेर सारा पैक कर लूंगा और लेके चल जाऊंगा अपनी पार्टी के लिए। थैंक यू सो मच हमारे को बताने के लिए, हमारे को दिखाने के लिए कैसे बनती है। इट्स बीन वंडरफुल टू स्पीक टू यू। एनी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अरे यार क्या बात है, चलो आई एम गोना सी यू एट द पार्टी। जलाना ढंग से। फटेगा तो नहीं है? नहीं फटेगा यार। दिवाली और ये होली क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखते जाओ ना यार। क्या हो रहा है यार ये? ये टाइम होता है क्या कोई? हैप्पी होली। अरे यार तुम्हारे को तो कलर लग। हैप्पी होली। हे गाइस हैप्पी होली। होली पे कुछ खाने का लेके खाने के लिए। हैप्पी होली। मैं भी खाऊंगा यार। खाओ यार, यही तो रह गया था बस। बहुत टेस्टी है यार। कैसा है? अमेजिंग। क्या अभी भी मुझसे नाराज है? अच्छा सॉरी, देखा बोल दिया ना। अब क्या उठक बैठक करूं? How's it? Okay, it's not bad. This is from Faasos. इसीलिए हम दोस्त हैं, ठीक है? Because तुम्हारी चॉइस इतनी बढ़िया है। अरे यार शशांक होली खेल रहे हैं भाई। तू कैसे सूखा पड़ा है? सूखा पड़ा है। ओह शिट। See you guys. Anyway, guys, I had such a great time today. I had a fantastic time. इतना बढ़िया मजा आया। मेरी होली की पार्टी तो एकदम चार चांद लग गए, क्या बताऊं? And that is thanks to Faasos. Chef Neeraj से मिला मैं होली की, उन्होंने मुझे इस ठंडाई की और गुजिया के बारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई। And thanks to this ठंडाई and amazing गुजिया, मेरी पार्टी बहुत ही सेट हो गई है बॉस। Which is why I am going to give it a great 4.5 out of 5 stars. It's a fantastic thing. You need to try it. अगर आप ट्राई करना चाहें तो करीबन 300 रुपये पड़ेगा आपको विद बॉक्स ऑफ गुजिया एंड ठंडाई, विच इज ग्रेट। इट्स गो ट्राई इट राइट नाउ। Anyway, मैं जा रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ, but not before wishing you guys a very happy Holi, ठीक है? And also, you have been served. Hey guys, what's up?